तो भाई रात के एग्जैक्टली अभी बज रहे 12:28 हो रहे हैं, और रात के टाइम तक मैं अभी तक वेट किया कि कोई ऑफिशियल न्यूज आए या कुछ आए, बट अब ज़्यादा ही रात हो गई थी, 12:28 हो गई रात के, एंड भाई अब मेरे से वेट नहीं करा गया, तो अब मुझे अगले दिन का तो नहीं आइडिया, लेकिन अभी के टाइम के लिए तो भाई अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। BGMI बैन एक्चुअल में बैन नहीं हुआ, वो एक्चुअल में उसे हटाया गया है, टेक डाउन किया है, ना ही बैन वहाँ पर लिखा है, ना ही कुछ। ये ओल्ड गेम प्ले है, मतलब थोड़ा एक दो दिन पुराना गेम प्ले जो रिकॉर्ड किया, ये वो गेम प्ले है जहाँ पे मतलब न्यूज़ सुनने के बाद भाई गेम खेलने का मन ही नहीं किया यार। देखो अब सुबह जब मैं वीडियो डाल दूंगा तब के बाद का तो मुझे नहीं पता क्या ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, बैन होगा या फिर क्या सीन होगा, क्या कुछ आइडिया अभी नहीं है, क्योंकि मैं रात के टाइम पे ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रहा हूँ एंड ये रात के टाइम का ही गेम प्ले है, तो भाई तब के टाइम पे तो ज़्यादा बंदे भी नहीं आ रहे थे भाई, मतलब ये न्यूज़ सुनने के बाद काफ़ी सारे बंदे तो खेल भी नहीं रहे थे, क्योंकि भाई सबको एक सदमे सा लग गया था, और मैं भी बस वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी बहुत बार सोचा बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर बाद में बोला कि नहीं यार कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं तो बनाना पड़ेगा, और आज से करीब एक साल पहले फोन में। और हाँ एक चीज़ और है कि जब मैंने रात में कुछ न्यूज़ देखी एंड एक ऑफिशियल भी चीज़ आई थी जहाँ पे बोला था टेक डाउन कर दिया गया है BGMI को प्ले स्टोर से एंड ऐप स्टोर से, तो वहाँ पर टेक डाउन लिखा था ना कि बैन लिखा हुआ था, तो अभी भी होप बाकी है। और आई थिंक सो आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ कोर्ट के डिसीजन होंगे एंड देखते हैं क्या डिसीजन होता है, एंड उसके बाद अपना BGMI रहने वाला है या नहीं रहने वाला वो आज पता लगेगा, अब कब पता लगेगा ये तो आइडिया नहीं है, बट आई थिंक क्राफ्टन जो है वो ऑफिशियल मीटिंग कुछ होने वाली है इनकी, तो वो होगी एंड उसके बाद आपको कन्फर्म पता लग जाएगा कि आज BGMI बैन होगा या फिर वापस लाया जाएगा, या फिर वो पबजी लाइट की तरह बिना कोई मतलब ना प्ले स्टोर पर होता है ना ऐप स्टोर पर होता है, बस वो खेलते हैं लोग वैसा खेलना पड़ेगा अपने को, कोई आइडिया नहीं है। और अगर BGMI बैन हुआ तो उसके सर्वर्स भी जाएंगे, और सर्वर्स जाने का यही मतलब है साफ सीधा कि ये BGMI है और स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया है, तो भाई ये आप ट्रांसफर करके या फिर कोई VPN लगा के BGMI को एक्सेस नहीं कर सकते, तो समझ सकते हो ये चीज़। और शायद से एक साल हो गया या फिर एक साल से ज़्यादा हो रहे हैं या फिर कम, इतना कन्फर्म नहीं हूँ। आई थिंक तब मेट्रो रॉयल वाला कोई सा अपडेट आया था, और वो अंडरग्राउंड एक मेट्रो चलती थी हम जिसमें खेलते थे, एंड तभी शायद फैरो का भी अपडेट आया था, और उसके बाद पबजी जो था अपना बैन हो गया था, एंड उसके बाद मैंने जो ही बहुत बड़ी गलतफहमी में एक चीज़ मैंने गिरा दी थी अपनी, वो था भाई मेरी मतलब जो कितने सालों की मेहनत करी थी मैंने वो चैनल को बनाने में, एंड नियोनिक्स गेमिंग करके वो चैनल था मेरा, एंड वहाँ पे कोई नहीं जानता था, जब नियोनिक्स का नाम लेते थे ना तो बोलते थे क्या अजीब गरीब नाम लिखा है तूने, ये नियोनिक्स क्या ये, एंड उस चैनल को मैंने कोई नहीं जानता था, मतलब वो जीरो से स्टार्ट करके 1-2 लाख पे ले गया था चैनल, एंड उसके बाद सारी होप छोड़ दी थी, सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया, मैंने चैनल छोड़ दिया भाई, एंड वो चैनल डाउन हो गया। और उसके बाद मैंने ये वाला चैनल बनाया नियोनिक्स पवन करके, सोचा इन गेम नेम को ही अपने चैनल का नेम रखते हैं, एंड जीरो से फिर स्टार्ट कर दिया, फिर मेहनत शुरू कर दी ये सोच के कि क्यों ना इस बार इसको मिलियन किया जाए, लेकिन फिर से वही हो, मतलब फिर से वो गलती ना कर बैठूँ, मतलब चैनल मतलब ऐसा छोड़ के ना बैठ जाऊँ। अब वो मिलियन वाला तो अभी दूर दूर तक मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा कि अब मिलियन हम जाएंगे भी अपने, मतलब ऐसा ड्रीम था कि मिलियन तक नियोनिक्स फैमिली को ले जाएंगे, अब देखते हैं भाई आज के डिसीजन के बाद अगर बैन हुआ तो फिर नॉर्मल सी बात है। वापस अपने को पबजी पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि अब मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, और मुझे डर है कि मैं वो गलती वापस से ना दोहरा दूँ, मतलब कि जिस तरीके से मैंने इससे पहले वाला चैनल छोड़ा था, होप सारी सारा बहुत डिमोटिवेट गंदे तरीके से डिमोटिवेट हो गया था, एंड मैंने कई मतलब काफ़ी दिन तक तो लोगों से बात करना ही छोड़ दिया था जो मेरे पबजी के फ्रेंड्स थे, एंड मैंने छोड़ दिया था एक तरह से पूरा गेम ही, एंड उसके बाद मैं बंद कर दिया था हर चीज़, एंड वो चैनल वहीं गिर गया, एंड देखते हैं अपने को तो बस गेम खेलने से मतलब है, चाहे वो VPN के थ्रू खेले चाहे हम ऐसा BGMI खेले, भाई खेलने से मतलब है, अपने को ये रिपोर्टर रिपोर्टर नहीं बनना, मतलब न्यूज़ रिपोर्ट अभी अभी काफ़ी सारा ऐसा हो जाएगा ना कि वापस से वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सारे चैनल्स अभी न्यूज़ रिपोर्टर बन जाएंगे, और सारे लोग अब आ रहा है BGMI अब ऐसा होगा अब वैसा होगा, तो ये चीज़ में नहीं पढ़ना अपने को नॉर्मल अपना चलते रहना है, जो कि अपने को गेम खेलने से मतलब है, ना कि ये रिपोर्टर रिपोर्टर बनने से, ये डेली का अब जाएगा अब आएगा, ये न्यूज़ निकल आई, ये क्राफ्टर ने बोल दिया वो बोल दिया, जो ऑफिशियल होगा वो अगर गेम आनी होगी तो डायरेक्टली आ जाएगी,
अगर नहीं आनी होगी तो नॉर्मल सी बात है, सीधा मुंह पे बोलेंगे भाई गई गेम। एंड चलो वापस से बीजीएमआई छोड़ो और अपना जैसा वीपन खेलते थे वैसे मैं खेलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि इस बार इस चीज़ को मिलियन तक ले जाना है और ट्राई पूरा करेंगे। अब देखो अपने सब्सक्राइबर्स करीब 9,20,000 कुछ है, इनमें से आई थिंक जो 80% या फिर 85% अपनी इंडिया की ऑडियंस है और भी बाहर बाहर कंट्रीज की भी ऑडियंस है। लेकिन अब ट्राई करेंगे कि भाई वापस हम बीजीएमआई को खेले और इसी के साथ अगर बीजीएमआई रहता है तो ठीक है, नहीं तो पबजी को वापस से खेले। एंड अब जाके हमें भाई उन लेवल पे, मतलब अभी तो देखो पबजी खेलेंगे वीपन के थ्रू खेलना पड़ेगा, उसके बाद जो इंडो लॉबी आएगी भाई वहाँ जाके कंपटीशन दे, दबा के मारे बंदों को, इंडो लॉबी वाले को भी रुला दें, ऐसा खेलें एंड अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस भी बनाए, तो भाई इसमें भी बहुत ही मज़ा आएगा। और लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, तो ये चीज़ ऐसा सोच के नहीं चलना चाहिए कि भाई ये गलत हुआ तो ठीक है, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं यही बहुत गंदा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, तो इसलिए तुमको समझा रहा हूँ कि तुम डीमोटिवेट मत हो ऐसे। अभी ग्लोबल, चलो ग्लोबल में और मजा आएगा भाई, ग्लोबल में जब इंडो लॉबी आएगी और अपने इंडिया का फ्लैग चमकेगा उनको मारते हुए तो नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। और ये देखो यार यहाँ बीजीएमआई, क्या बोलूँ यार, बीजीएमआई ऐसा एक 50-50% में खड़ा है, मतलब बैन होगा नहीं होगा, और ये लोग अभी भी कैंप नहीं छोड़ रहे, रात का गेम प्ले। अब ये देखो भाई आगे, अच्छा हुआ नहीं गया, आगे भी बंदा बैठा था, एक तो बैठा ही हुआ था, एक अभी आगे बैठा हुआ है। अब इसको जैसे ही मैं मारने जाता हूँ, देखो मेरे साथ स्कैम, इसको मैंने मारा 1-2-3 पीछे से भर भर के, और लो भाई यहाँ पे, खैर इनको पहले फाइट ले लेने थे, लो भाई पहले मार लो, तुम कर लो भाई पहले ये कर लो। चलो अभी जस्ट आपको एक ट्यून सुनाई दी होगी नोटिफिकेशन की, जस्ट मेरे को एक नोटिफिकेशन आया एंड इसमें ये चीज़ बताई गई, मतलब ऑफिशियल की तरफ से, एक तरह से मान लो ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि मतलब इसमें बीजीएमआई के अंदर थोड़ा चाइनीज़ लिंक पाया गया है एंड इस चक्कर में कुछ चीज़ें होल्ड कर, मतलब होल्ड पे जा रही हैं। एंड अब पता नहीं, अब ये अभी रात के 12 बजे की न्यूज़ है, 12-1 बजने वाले अभी वॉइस ओवर करते टाइम, तो इस ये चीज़ मेरे को अभी पता लगी, जस्ट अभी मेरे को एक नोटिफिकेशन आया एंड उन्होंने बताया, ऑफिशियल से मेरी बात हुई तो इन्होंने ये बताया कि ऐसा चाइनीज़ लिंक पाया गया, मतलब तो उससे अब देखते उसे क्लियर कर लेते हैं, तो ठीक है अब जो भी होगा अब आगे, कल ही आज पता लग ही जाएगा सुबह सुबह, मतलब सुबह या शाम तक पता लग जाएगा, अब देखते हैं। नहीं तो भाई क्या ही दिक्कत है, जब इंडियन ऑडियंस जाएगी पबजी में एंड वहाँ के इंडो लॉबी के साथ तगड़ी फाइट लेगी तो और मज़ा आएगा, तब मज़ा आएगा ना, और मतलब अपने इंडिया का फ्लैग किल फील्ड में चमकेगा तो और अलग मज़ा आएगा। एंड मैं मतलब अंदर से ऐसा, मतलब बहुत मन करता है कि जब हमारी फाइट किसी और, मतलब ऐसे बंदों से हो, मतलब वो कहीं को और हम कहीं को, तो अपने को मारने में बड़ा मज़ा आता है कि अपना इंडिया का नाम चमकता है और उसके आगे जैसे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ उसके आगे लिखा हुआ नियोनिक्स पवन, अलग ही मजा आता है, मतलब ऐसा बीजीएमआई होना चाहिए था, लेकिन अब बीजीएमआई स्पेशली इंडिया के लिए ही है तो भाई वहाँ पर फ्लैग की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट यही चीज़ पबजी में होगी तो भाई अब तो और मज़ा आएगा। खैर देखते हैं, अब चांस है 50-50 का, तो देखते हैं, लेट्स गो। एंड अब ये वाले जो मैच होता है भाई, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैंपिंग वाली लॉबी चलती है, मतलब कि ये वाले मैच में ना आप लोग आखिर तक बस बोलोगे भाई तेरे साथ हो क्या रहा है। अब देखो उतरता हूँ ऊपर से मैं अपनी लूट लेके, अब जिन बंदों को ढूंढने गया था ऊपर जो कैंप कर रहे थे वो तो मिले नहीं, लेकिन इस रिकॉल जगह पे, इस रिकॉल वाला जो सेंटर है यहाँ पे भाई बहुत सारे बंदे उतर जाते हैं, सारे बंदे गाड़ी वाड़ी लगा के रिकॉल करने आते हैं और बहुत तगड़ी फाइट होती है यहाँ पे। कवर देना, ये देखो ये ओपन में लेटा पड़ा है, इसके हेड हाउस पे ये छोटे वाले सेक वाले घर में दिया। एनिमीज अहेड, रिवाइव देने आएगा, मोड ले। हां नहीं सो गया, अरे अब बोलता जंप किया, एक खुदा जंप किया, वही बंदा, वही जंप किया, वही आपको मारा मुक्त से। हाँ यही था शायद, आ जा भाई तेरे को बैंड, अरे इधर ही ठीक है अभी, चलो नहीं नहीं नो के डायरेक्ट पुलिस, ये तो देख ही नहीं, पेन ऑफ पी इसको उठा, ये रहा हाँ ये पड़ा है, मार्क्ड लोकेशन, इधर आओ पेन फेंक के मारो, इधर आओ, बगी आया वो, बगी वाह ये बहुत बढ़िया, आ जाओ लास्ट लास्ट एक, हां बगी के ऊपर खड़ा है, मारो, अच्छा अच्छा चलो आओ, गेम पर है
भाई यहाँ पे जंप शॉट गलती से वो पकड़ के चढ़ जाता, वॉल कूद जाता, और उतने में तो भाई इस बंदे ने मेरे को भर दिया, लेकिन मैं बच जाता हूँ। एंड इसके बाद सबकी पेटी बनाते हैं, लूट के यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई देखो अब जो है ये गेम में अभी मतलब घुसो मारो बस, अभी जिस तरीके की न्यूज आई है ना, इस तरीके से सुनने बस यही आ रहा है कि बस घुसो और मार के आओ बस, इतना इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एंड इसके बाद सेम चीज यहाँ से हम बगी लेके निकल लेते हैं, और ये चीज न्यूज सुनने के बाद मैं तो बस घुस रहा हूँ मार रहा हूँ। खैर इतने में पीछे एक जीप आती आवाज आती मेरे को, अब ये बंदे का मुझे समझ नहीं आया कि ये कंफ्यूज मतलब ऐसा जंप करता हुआ लग रहा था मेरे को, बट कोई नहीं चलो मजा आया। तो एक बार लाइक कर देना, हेडशॉट लग गया जितने में वो देख पाता मैं उसे, बट अब इसके बाद अब जो था भाई बस घुसो मारो, अपने कोई चिंता ही नहीं इन चीज़ों को लेके। तो भाई जल्दी से घुसते हैं, एंड यहाँ पे तो जो ही हमारी फाइट होती है निकलने तक का भी मौका नहीं। यहाँ पे ऊपर कुछ बंदे थे उनको भी मारना था, और यहाँ पे एक गाड़ी लगी हुई थी जो कि पलटी हुई थी, तो इसको मैं जल्दी से स्किन चेंज करता हूँ, इसकी लैम्बो में चेंज करता हूँ, तो मुझे लगता है शायद से निकल जाए, लेकिन ये फिर भी नहीं निकल रही। एंड इसके बाद तो हम सीधे बोलते हैं कि भाई एक काम करो चलो यहाँ से छोड़ो, तभी मेरे टीम मेट्स तो निकाल लेते गाड़ी को, और अब निकलना था हमें बच के, लेकिन ऊपर भी बंदे और मार रहे हैं ऊपर वाले रेड वाले पीछे। भाई साहब कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है इस गेम में। खैर जो भी था भाई मैं तो बस घुस के मार रहा था भाई, अब छोड़ो यार जो है रैंक वैंक क्या पहाड़ में घुसो मारो। सो गाइस अगर मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लव यू ऑल गाइस, एंड देखते हैं आज क्या न्यूज आती है, अच्छी न्यूज आए अब इतना भी बुरी ना आ जाए बट अच्छी है, देखते हैं। लेट्स गो गाइस, लव यू, बाय बाय।